आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल, मैं अजय सुकी ट्राई सिटी डिबेट में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और आरएलए को कैसे लाएंगे एमसी में। कांग्रेस सरकार के वक्त में प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य नगर निगम को सौंपा गया था। शहर के विकास पर भारी भरकम खर्च के बाद भी नगर निगम की करीब 500 करोड़ रुपए की एफडी थी। अब नगर निगम कंगाल है और उसके ऊपर कर्ज का बोझ है। ऐसे में निगम ने प्राथमिक स्कूल पुनः प्रशासन को सौंप दिए हैं और धीरे धीरे डिस्पेंसरीज जो है से भी पल्ला झाड़ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कहती है कि वह प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और आरएलए नगर निगम के अधीन लाएगा, तो कैसे लाएगा। सवाल है कि जब इस तरह की स्थिति है, चंडीगढ़ में ना तो अपनी कोई विधानसभा है ना कोई मेट्रोपॉलिटन काउंसिल है, तो जब ये है नहीं तो ये बदलाव कैसे होगा, क्योंकि चंडीगढ़ में जो भी बदलाव करने होते हैं, ढांचागत बदलाव करने होते हैं, उसके लिए संसद में जाना पड़ता है और संसद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। ऐसी स्थिति में जो इस तरह के वायदे आम आदमी पार्टी कर रही है उन्हें कैसे पूरा करेगी। मौजूदा व्यवस्था को बेहतर और जनहितैषी बनाने की लड़ाई सभी दल मिलकर क्यों नहीं लड़ते हैं। विभाग किसी के भी पास हो उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता तय होनी चाहिए, वहां बेहतर सुविधाएं मिले इसके लिए राइट टू सर्विस एक्ट प्रभावी होना चाहिए, डीसी ऑफिस से लेकर अन्य सभी दफ्तरों में काम की समय सीमा होनी चाहिए और इसी आधार बनाकर अधिकारियों की एसीआर लिखी जानी चाहिए। इस दिशा में काम होगा तब सभी खुश होंगे, सारा शहर का विकास होगा और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और जो इस तरह के झूठे वायदे हैं वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस तरह के वायदे आप करने के पहले यह तो देखिए कि उन्हें पूरा कैसे करेंगे। इन्हीं मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से गौरव गोयल हैं। गौरव गोयल एडवोकेट भी हैं तो कानूनी पहलू भी जानते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसके प्रदेश महासचिव हैं शशि शंकर तिवारी। शशि शंकर तिवारी जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते रहते हैं। हमारे साथ में समस्या समाधान टीम की तरफ से क्रांति शुक्ला हैं, मनोज उर्फ क्रांति शुक्ला। क्रांति जो है आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा हमारे साथ में नसीब जाखड़ हैं जो कर्मचारियों की नुमाइंदगी करते हैं और इंटक से जुड़े हुए हैं, इंटक के प्रधान हैं। मैं इस पे चर्चा सबसे पहले जो है गौरव गोयल के ही पास आता हूँ। गौरव, जिस तरह का वायदा कर रही है आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया कि वो नगर निगम में पुनः ले आएंगे जो प्राथमिक स्कूल, उसके अलावा स्वास्थ्य को ले आएंगे, उसके अलावा आरएलए को ले आएंगे, तो कैसे ले आएंगे और क्या ये इनके आने से कोई हालत सुधर जाएगी। क्यों नहीं इसकी बेहतर सुविधा पे बात हो, ना कि इस पे बात हो कि इसका अधिकार इसे मिल जाए या उसे मिल जाए या ये हो। जी गौरव, गौरव गोयल, गौरव आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। आपने मेरा सवाल सुन लिया? नहीं सर, आपकी आवाज चली गई, क्या बात है। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया कि वो आरएलए को जो प्राथमिक स्कूल है शहर के उनको और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को नगर निगम के दायरे में ले आएंगे, जबकि नगर निगम में जब कांग्रेस के समय में दिया गया था प्राथमिक स्कूल वो उन्होंने वापस कर दिए हैं, उसके अलावा जो प्राथमिक स्वास्थ्य है उसमें भी वो धीरे धीरे एडमिन को ट्रांसफर कर रहे हैं, आरएलए की बात तो दूर की है क्योंकि नगर निगम अपने ही तमाम सारी समस्याओं से जूझ रहा है, उसके पास फंड की कमी दूसरी, तो हम क्यों नहीं बात करते हैं कि ज्यादा बेहतर सुविधाएं दी जाएं, वक्त पर दी जाएं, इस पर काम करें, ना कि इस तरह के वायदे करें कि जो पूरे होने से कोई मतलब नहीं है कि विभाग इनके पास रहे या उनके पास रहे, जनता को सुविधाएं चाहिए। जी मैं ये कहना चाहूंगा अजय जी, आपका क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर मैं दो जवाबों में इसका आंसर दूंगा जी। घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने जो कहा है
क्योंकि उनको साफ पता है और सबको पता है कि वो किसी भी स्थिति में नगर निगम में आ नहीं सकते हैं, तो जैसा मर्जी घोषणा कर दीजिए उससे क्या फर्क पड़ता है, नंबर वन। नंबर टू, अब बात आती है कि एजुकेशन और हेल्थ की, प्राइमरी स्कूल्स की और डिस्पेंसरीज की। मुझे लगता है कि नगर निगम चाहे उसको देख रही थी, आज उसको हैंडओवर कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को। स्कूल्स के बारे में बात करूंगा तो क्योंकि पूरी पावर एक मिनट आपसे बाद में बात करता हूं, पहले मैं उनकी सुन लूं। अगर माइक किसी का माइक ऑन है तो उसके कारण जो है आवाज वो आ रही है। नसीब जी और क्रांति जी का माइक ऑन, आप ठीक, क्रांति अपना माइक ऑफ करें। अब ठीक हो गया जी, आवाज ठीक हो गई है। तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन की जी, आम आदमी पार्टी कोई भी घोषणा कर सकती है क्योंकि उनको पता है कि हम किसी भी स्थिति में निगम में नहीं आएंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो बहुत रेलेवेंट है कि हैंडओवर जो किया गया है, हैंडओवर का रीजन है कि स्कूल जो प्राइमरी स्कूल थी उसकी रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट नगर निगम नहीं करता था। तो नगर निगम का कहना था कि या तो आप हमें पूरा दे दीजिए या आप कंट्रोल कर लीजिए। तो उसको क्योंकि ऑलरेडी सारी रिक्रूटमेंट्स हैं, वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करता था। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन करता है या नगर निगम करता है, अल्टीमेटली टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी ये है कि वो कार्य अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को अगर नगर निगम ना देखता हुआ उसको एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है तो जनता की भलाई के लिए ही है, चाहे निगम देखे चाहे एडमिनिस्ट्रेशन देखे। पर्पस तो ये है कि अच्छी आपको हेल्थ सर्विसेज मिल पाए, अच्छी आपको एजुकेशन मिल पाए, जो मिल रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, वादा करना चाहते हैं तो आप वादा कर दीजिए कि हम सूर्य को हम जमीन पर ले आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो आम आदमी पार्टी वादे करने में तो बहुत अच्छी है, करते रहिए। नहीं, मैं मेरा इसमें यही है कि इससे फायदा क्या होगा, जनता को क्या फायदा होगा, नगर निगम में चला जाएगा तो भी क्या फायदा होगा। मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने जब इस क्वेश्चन को सुना तो मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि निगम भी जनता के लिए है और एडमिनिस्ट्रेशन भी जनता के लिए है, दोनों में से कोई भी देखे तो क्या फर्क पड़ता है। इससे अच्छे से चलना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, डिस्पेंसरीज हमारी अच्छी चलनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी घोषणा पत्र में कहती है कि हम निगम में ले आएंगे, तो भाई इनसे पूछे आरएलए को भी लाने की बात कहते हैं। आरएलए को वही कहता हूँ, ये आप मानिए, ये सूर्य जी को भी नीचे ले आएंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, मैं इसमें शशि शंकर तिवारी के पास जाता हूँ। तिवारी जी, आप अपना म्यूट वो माइक को ऑन वो अनम्यूट कर लें। तिवारी जी सुन पा रहे हैं मुझे? माइक अपना अनम्यूट कर लें तिवारी जी। तिवारी जी माइक अनम्यूट, हाँ तिवारी जी सुन पा रहे हैं? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर मैं आज सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस शासन में प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ जो है नगर निगम को दी गई थी, और नगर निगम को दी गई थी उससे नगर निगम को दिया गया एक अच्छी भावना के तहत दिया गया। ये आवाज आ रही है कहीं से, कृपया बाकी सभी लोग अपने माइक अनम्यूट कर लें। तो ऐसी स्थिति में जब ये कर लिया गया और दे दिया गया नगर निगम को, और उसके बाद में कोई रिजल्ट नहीं रहा, कोई एक बेहतर रिजल्ट नहीं आया, तो आखिर इसका डिसीजन क्यों ऐसा लिया गया? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा। दूसरा, मैं टेक्नोलॉजी बताना चाहूँगा, आवाज मेरे पीछे से आ रही है। बाकी सभी लोग अपने अनम्यूट कर लें, वो म्यूट कर लें। नसीब जी और इंडिया न्यूज पंजाब दो के ने वहां से नहीं आ रहा होगा क्योंकि वहां वाला तो उससे जुड़ा हुआ है, इंडिया न्यूज वाला। ये तिवारी जी, आपके इधर क्या गाड़ी चल रही है? कोई निकल रही है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आवाज आ रही है। चलिए बोलिए बोलिए। मेरा एक कहना है कि जो आम आदमी पार्टी ने
चंडीगढ़ की जनता को ये लुभावना वादा किया है कि आम आदमी पार्टी के सबसे पहले अंदर में आई थी, और ये ना तो नगर निगम में आने वाले हैं ना इनके अंदर में है। ये जितनी पॉलिसी है ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार आती है वही सरकार इसकी कर पाती है। दूसरी तरफ मैं बताऊं कि कांग्रेस के समय में इसको प्राथमिक शिक्षा हो गया, प्राथमिक उपचार हो गया, 500 करोड़ की एफडी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जब नगर निगम पे कब्जा किया, सारा का सारा ही मामला भारतीय जनता पार्टी ने चौपट कर दिया। वो शिक्षा उपचार और एफडी के चौपट करने के साथ साथ में चंडीगढ़ को ही आज की डेट में उन्होंने चौपट करके रखा हुआ है। किसी भी मुद्दे पे आप नगर निगम से जो भी संबंधित मुद्दा है, किसी भी मुद्दे पर कामयाब नहीं है, चाहे शिक्षा हो, उपचार हो, एफडी का हो, पार्किंग का हो, सफाई का हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी चंडीगढ़ जो सिटी ब्यूटी फिल्म था उसी को चौपट कर दिया। और जहां तक आम आदमी की घोषणा पत्र की बात है, आम आदमी घोषणा पत्र बिल्कुल ही ये तो एक लुभावना वाली बात है कि क्या नाम हम सूरज को दिया दिखा नीचे ला कर दिया दिखा देंगे। ये आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की जनता को एक तरह से गुमराह कर रही है। चलिए, वो गुमराह कर रही है। मैं इसमें नसीब जी के पास आता हूँ। नसीब जी, यदि नगर निगम में जाता है तो एक प्रकार से सरकारी कर्मचारी नगर निगम के बन जाते हैं, एक निगम के बन जाते हैं। निगम वैसे ही कंगाली में है, तो ये कर्मचारियों के हित में तो जो सामान्य तौर पर दिखता है वो तो नहीं दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में और जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार की नीति चल रही है कि घाटे वाले विभागों को, निकायों को और उनको निजी हाथों में सौंपा जाए, उनकी सर्विस ली जाए, तो ऐसी स्थिति में तो आप नुकसान में रहेंगे। तो आखिर प्राथमिक उसमें जाए या सरकार बेस्ट सर्विस दे और सर्विस के लिए वो अपने कब्जे में ले, तो क्या इस पे क्या होना चाहिए और किस तरह की नीति अपनानी चाहिए? जी आप अपना म्यूट कर लें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपने चैनल पर जोर शोर के साथ अपनी, चाहे वो मजदूर की बात है, चाहे वो कर्मचारी, क्रांति आप अपना म्यूट कर लें भाई, म्यूट कर लीजिए। शशि जी आप म्यूट कर लीजिए। आप शशि जी आप भी म्यूट कर लीजिए। शशि जी अपना, हाँ तो साहब ये बात है कि गलती से जो ये प्रभारी आते हैं आप पार्टी के, इनसे कंटिन्यू 2-3 बार बड़ा झूठ बोला गया है। इनसे एक झूठ तो ये बोला गया कि चंडीगढ़ मांगे केजरीवाल, और दूसरा झूठ बोला गया कि हम आम पब्लिक को बिजली और पानी फ्री देंगे, सब कुछ फ्री देंगे, और आरएलए को हम नगर निगम के अंदर ले आएंगे। अब देखने की बात यह है कि ना तो चंडीगढ़ में विधानसभा है, ना कोई मुख्यमंत्री बनता है, एमएलए नहीं है, तो ये इतना बड़ा फैसला लेगा कौन? नंबर एक तो ये खोखला वादा है, इनका नहीं हो सकता। दूसरी बात तो इन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मांगे केजरीवाल। क्या आप चंडीगढ़ को में तो सीएम तो बनता नहीं, क्या आप केजरीवाल को काउंसलर बनाना चाहते हैं? क्या आप केजरीवाल को मेयर का दावेदार बनाना चाहते हैं? इनका दूसरा स्लोगन ये खराब है। तीसरा ये है कि नगर निगम के पास ऑलरेडी पैसा देने के लिए तो ऑलरेडी जो ड्राइवर हैं, एमओएच के कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी तो 3-3 महीने लेट हो रही है, और ये दूसरा कह रहे हैं कि नगर निगम में हम कर देंगे, तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा, कर्मचारियों को भी होगा और आम पब्लिक को भी होगा। तो ये चंडीगढ़ की जो जनता है, आज यहाँ पे जो रक्षा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, वो भी +2 BA पास है, एमए पास है, तो वो सारी चीज़ें इन बातों को, ढकोसलों को समझते हैं। तो मैं ये जो बीजेपी के साथी बैठे हैं इनको भी और आप पार्टी वालों को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सत्ता में ज़्यादा लंबा चलना है तो इतना झूठ तूफान बोल करके आगे निकलने की कोशिश ना करें। जनता सब जानती है
नहीं तो वही हाल होगा जो बीजेपी का हुआ है। गलियों में, चौराहों पर, बाजारों में इनको घुसने नहीं देते। हेलमेट लगाने की नौबत आ गई है। हेलमेट अपनी जो नहीं तो इनका नेता कोई देहात में और सड़कों पे नहीं जा सकता बिना हेलमेट लगाए। ऐसे नौबत आ गई तो हम अलग से डिबेट कर सकते हैं और आपको उसके बाद मानना नहीं। अगर ये बात नहीं है तो बताइए, नहीं घुसने देते हैं। चुनाव जीतेंगे ना आपके सामने, आप चंडीगढ़ में है ना। चलिए वो तो जनता जनता बताएगी, वो तो जनता बताएगी। अजय जी सिर्फ एक सेकंड, चंडीगढ़ में अगर किसी एक राजनीतिक दल के रोज सबसे ज्यादा कार्यक्रम होते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये तो फैक्ट की बात है। चलिए इसको इसको ये नसीब जी दूसरे से भी जवाब ले लेने दे। और ये मनोज आप अपना अनम्यूट कर लें। मनोज सवाल वही है कि आप समस्या समाधान टीम चलाते हैं, समस्याओं के समाधान की बात करते हैं, समयबद्ध आप मांग रखते हैं कि किस चीज की मांग है और क्या है, तो ऐसी स्थिति में क्यों ऐसी आम आदमी पार्टी ऐसी मांग रख रही है कि जो समस्या का समाधान करने की बजाय उसको बढ़ाने की बात करती है? क्योंकि नगर निगम कुछ आदि समस्याओं का अभी समाधान नहीं कर पा रहा है। जी सर, इसमें मैं आपसे दो तीन चीजें हैं कि सबसे पहले शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो मानव के जीवन का सबसे मूलभूत पहलू है। ये सभी को हम लोगों को ये जान लेना चाहिए, जिसके द्वारा हम एक विकसित और विकासशील राष्ट्र का हम निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ की। पिछले 25 वर्षों से चंडीगढ़ के अंदर दोनों पार्टियों की सरकार आती जाती रही है। जो उन दोनों पार्टियों ने आज तक इस पर काम नहीं किया तो तीसरी पार्टी को इस वजह से आना पड़ा। अब मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के वो लेकर के बात करता हूँ। नगर निगम के अंदर आपने एक बात छेड़ी अभी कि नगर निगम के अंदर कुछ स्कूल आते थे, 2010 की बात है। आपका अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आवाज बंद हो गई। आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। क्रांति जी आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए, आ रही है क्रांति, बोलिए। मुझे आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। क्रांति बोलिए। अब आई सर? हाँ आ रही है, बोलिए। तो सर 2010 में जब कांग्रेस की सरकार रही तो चंडीगढ़ प्रशासन ने 8 प्राइमरी स्कूल और कुछ डिस्पेंसरीज नगर निगम के अधीन की, लेकिन उनके फेलियर के कारण जब वो इस चीज नहीं चला सके, क्योंकि नियत और नीति की आवश्यकता होती है सर किसी चीज को कार्य को करने के लिए, तो जब भाजपा की सरकार आई चंडीगढ़ के अंदर यही हाल आगे देखने को मिला। और जुलाई 2019 की बात करते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने वापस इन्होंने घाटा शो करा कि नगर निगम में घाटा हो रहा है, और वापस वो प्राइमरी स्कूल और 21 हेल्थ जो डिस्पेंसरियां थी वो चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाल ही में पिछला जो भी बजट रिवाइज हुआ था चंडीगढ़ का, वो मेरे पास है 51,86.12 करोड़, जो अभी इन्हें टोटल चंडीगढ़ का बजट मिला था, जिसमें शिक्षा का बजट 849.50 करोड़ रुपए था और स्वास्थ्य का बजट 546.86 करोड़ रुपए था। तो सर जब इतना पैसा चंडीगढ़ प्रशासन के पास आ रहा है, और चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले ही दो बारी दोनों पार्टियों को मौका दिया नगर निगम के अंदर स्कूल चलाने का और प्राइमरी हेल्थ चलाने का, ये इनके पास एक अच्छा मौका था उसे बेहतर करके और अच्छा प्रदर्शित कर सकते थे, लेकिन वहां पर फेलियर होने के कारण, नियत ना नीति ना होने के कारण वो वापस ले लिया गया। और क्रांति क्रांति सवाल यहाँ ये है, क्यों नगर निगम में ही? भाई प्रशासन में रहे, आपको सुविधाएं इतनी मिल रही है, ज्यादा अच्छी मिल रही है तो उसमें बना रहे, क्यों नगर निगम में जाए? जी देखिए प्रशासन के अधिकारी हैं वो लोग खुद शहर के पार्षदों की और उनके नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वापस अगर इस चीजों को अगर उसके अंदर लाया जाएगा तभी उस पर हम बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। अब प्राइमरी शिक्षा देखिए सर, बेस होता है प्राइमरी शिक्षा किसी के बच्चे के जीवन का, उसको अगर हम बेहतर करेंगे तभी, और वो आप बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं जब तक आपके पास उसकी कमान नहीं होगी? जी
गौरव गौरव आरएलए की बात आपने कही थी बीच में, हाल ही में नगर निगम सदन के अंदर जो अभी सत्तारूढ़ में हमारी सरकार है बीजेपी की, उन्होंने भी इसको नगर निगम में लाने के लिए उन्होंने चर्चा करी थी इस पर कि इसको भी नगर निगम में लाया जाए, क्योंकि यहाँ से अच्छा पैसा है, रेवेन्यू अच्छा इकट्ठा किया जा सकता है। चलिए गौरव आपने सबकी बात सुनी, तो आप सर्विस देना चाहते हैं कि विभागों को लेके लड़ना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, और क्यों नहीं नगर निगम में क्यों ना हो, क्योंकि जब पार्षद रहते हैं तो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, अफसरशाही अपने ढंग से काम करती है, सर्विदित है, तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं जनता के हाथ में सब कुछ हो। जी अजय जी, अफसरशाही की हमने बात करी है, आप बड़े शुरू से ही आज से तकरीबन कोई 11-12 साल से मैं देखता हूँ बड़ा मुखर होकर उठाते हैं, वैसे हम भी ये कोशिश लगातार करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरह की कोई अफसरशाही कोई हम पे भारी ना हो, हम इसको होने नहीं देते हैं। पर्सनल लेवल पे भी हम प्रयास करते हैं, और अगर लड़ना पड़ता है तो इसके लिए हम लड़ते भी। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है, वो निगम के पास रहता है, द अल्टीमेट टेस्ट इज कि क्या उसका जो पर्पस है एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करने का और अच्छी सेवाएं हेल्थ में देने का, स्वास्थ्य की सेवाएं देने में, वो पूरा हो पाता है या नहीं पूरा हो पाता है। चंडीगढ़ इस चीज के लिए जाना जाता है बाहर से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, और मैं ये कहूँगा विदेशों से भी बच्चे पढ़ने चंडीगढ़ में आते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं हम, सेवाओं की बात करते हैं, तो अभी कोविड काल में हमने देखा कि चंडीगढ़ ने कितने अच्छे से कोविड को डील किया है, चाहे वो निगम देखे चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे। सवाल ये नहीं है कि कौन देख रहा है, सवाल ये है कि जो भी देखे उसको अच्छा से देखे, और हमारी भी उतनी ही उत्तरदायित्व तो बनता है एज एन इलेक्टेड पार्टी कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो लेकिन वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा चेक एंड बैलेंसेज उस पर हमेशा रखते हैं। मुझे लगता है तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं आ रहा हूँ तिवारी जी, आता हूँ आपके पास। तिवारी जी हंस रहे हैं कुछ कहना चाहते हैं। नहीं देख पा रहे, आपके निगम तो फेल हो गई ना? नहीं सर, हमारे निगम नहीं फेल। लोग तो डिपार्टमेंट मानते हैं। चलिए चलिए, आप गौरव तिवारी जी को सुन लेते हैं और इसका जवाब तिवारी जी इलेक्शनों में दे देगी। तिवारी साहब, तिवारी जी जवाब दीजिए। तिवारी जी देखिए, तिवारी जी का इसलिए सम्मान है कि अकेले मुझे कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवादी व्यक्ति लगते हैं। तिवारी जी मेरी बात सुनिए, आप तिवारी जी आपके बारे में देखिए देखिए फूट डालने का काम मत कीजिए। देखिए फूट डालने का काम मत कीजिए। देखिए अजय जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं कांग्रेस में जो गाड़ी के पीछे वंदे मातरम लगा के चलते हैं और जो राष्ट्रवादी हैं। अरे वंदे मातरम का कांग्रेस की ही देन है। विरोध तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस में है, लेकिन व्यक्ति अच्छे हैं। नहीं, वंदे मातरम की देन तो कांग्रेस की है। यहाँ तो मुद्दे की बात है, मुद्दे में निगम बहुत अच्छे से हम चला रहे हैं और जनता इसका जवाब। उनको सुन लीजिए। जो एक मुद्दे पे आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी चाहे रोड का मुद्दा हो, सफाई का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, जात का ऊंचा, और तो और जो कांग्रेस पार्टी ने 500 से ज्यादा नगर निगम को मुनाफा एफडी रख कराई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई उसको भी खा गई। आज की डेट में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, रोड जैसे लग रहा है कि कब किसकी नाक टूटे कब किसकी मुंह टूटे, ये तो आप मानते हो ना कि पूरी तरह से क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम पर कब्जा है, मेयर से लेकर और पार्षद तक फेल है, सांसद महोदय बॉम्बे में बैठकर। अजय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर इतनी सारी कमियां चंडीगढ़ में हैं तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता एक बारी भी प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? 10 से ज्यादा लोग प्रदर्शन आप बताइए, जवाब दीजिए, आप क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं? तिवारी जी प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? तिवारी साहब चिट्ठी लिखी हो, एक चिट्ठी कांग्रेस दिखा दे लिखी हो। करना पुराना कुछ नहीं, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, और दिसंबर में जब चुनाव आएंगे तिवारी साहब तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी और हम 5 साल निगम की सेवा दोबारा से करेंगे। अगर आपको इतनी कमियां लगती हैं तो ये जवाब दीजिए। सुनिए, आपके उसमें वो नहीं बोले थे, आप सुनिए। इतना तिवारी जी अनम्यूट कर ले। कोई
देखो तिवारी जी, इतनी कमियां अगर लगती हैं तो ये तो जाखड़ साहब, जाखड़ साहब आप बताइए, आप बताइए कर्मचारियों के लिए कुछ किया है इस दौरान? मैं गौरव गोयल जी को कहना चाहता हूँ, नगर निगम के सामने कोई दिन खाली नहीं जाता। जिस दिन प्रदर्शन ना होता हो, चाहे वो कर्मचारी की बात है, चाहे वो मजदूर की बात है, चाहे वो किसी की भी बात है, रोज प्रदर्शन होते हैं। क्या प्रदर्शन वालों की सुन लेते हो? मैं अभी 17 सेक्टर में हूं, किसान दिल्ली में बैठा है, क्या प्रदर्शनकारियों की आप सुनते हो? आप मेरी बात सुनिए, सुनने का मादा रखिए, बेमतलब की बातें मत करिए, सुनने का मादा रखिए। अरे गौरव गौरव सुनिए, सुनिए दूसरे की भी सुनिए, मुझे लगता है कि आप मजदूरों की जो बात कर रहे हैं, दूसरे की भी सुनिए गौरव, दूसरे की भी सुनिए। अजय जी झूठ बोल के बात कर रहे थे, जो तिरंगे झंडे का विरोध कर रहे थे, जो आजादी का विरोध कर रहे थे, वो हमारे को वंदे मातरम के लिए सिखा रहे हैं। आप तो रहने दीजिए, हमें पता है जो जाके पाकिस्तान का समर्थन करे, इसकी देन नहीं है। हमें चलिए चलिए मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। क्रांति, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और कैसे? ये क्या प्रदर्शन करने वालों की नगर निगम के सामने कोई दिन खाली जाता है जहां प्रदर्शन नहीं? देखिए कैसा है कि जब आप मुद्दे की बात कर रहे हैं तो मुद्दे से हट क्यों जाते हैं आप लोग? जब हम किसी टॉपिक को लेकर बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक से हट करके मत जाइए। प्रदर्शन अब हम बात करेंगे प्रदर्शन किया जिस चंडीगढ़ शहर के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर नागरिकों से 10 रुपए की सिरिंज कहते हैं बाहर से खरीद करके लाइए, तो उस हॉस्पिटल की क्या स्थिति रहेगी? जहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन है लेकिन वहां पर अल्ट्रासाउंड नहीं होता, बाहर से करवाया जाता है, तो आप किस प्रकार की व्यवस्था की बात करते हैं? शिक्षा को लेकर के, आप शिक्षा के स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में जब घास बढ़ जाता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसको नहीं काटता, नगर निगम से उसको कटवाया जाता है, तो किस प्रकार की व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? नगर निगम चंडीगढ़ की शिक्षा बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि उम्मीद करूंगा कि नगर निगम काम कर रहे अपना, और जिस तरह एडमिन को यदि देने का है तो भी करे, कम से कम जनता का की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए और जनता के हिसाब से काम होना चाहिए और जनता के हित में होना चाहिए। बाकी रही बात, विभाग कहीं भी रखिए लेकिन जनता को सुविधा दीजिए, और जनता के साथ जब होगा तो सबका भला होगा। और इसी के साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूँ। आप सभी आए, आप सबका धन्यवाद।